मेरा नाम जाले सोनम, तो मैं फॉर्मर चेयरमैन हूँ ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट। मेरा राइट साइड में दादर चाय वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी जनरल, लेफ्ट साइड में है तजुम नालो तुजुम नालो वोमेन विंग का प्रेसिडेंट है। बहुत दिन के बाद प्रेस क्लब में हम लोग आया ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का ओर से। यहाँ अरुणाचल में एक छोटा छोटा डिपार्टमेंट में या बड़ा डिपार्टमेंट में कुछ कर्मचारी हैं स्टेट में, जो स्टेट में कंट्रीब्यूशन दे रहा है 1962 से लेके 1961 से लेके आज तक, कि कुछ वर्कर्स है हमारा स्टेट में अरुणाचल सरकार में, खास करके प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अंडर कंट्रोल डिप्टी कमिश्नर का अंदर में, वो वर्कर्स का नाम है जो इसका कैटेगरी का नाम है एएलसी। एएलसी का ये मीनिंग है कि एजेंसी लेबर कॉप। तब एजेंसी लेबर कॉप जो हैं ड्यूरिंग नेफा सिस्टम, जब नेफा गवर्नमेंट था मेघालय में नॉर्थ ईस्ट का, उसी से लेके आज तक एएलसी अरुणाचल में अंडर डिप्टी कलेक्टर यानी कि डिप्टी कमिश्नर के अंदर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के अंदर और सर्कल ऑफिसर, जहाँ जहाँ में सर्कल है सीओ पोस्ट है वहाँ में एएलसी लोग काम करता है। हम लोग से जन्म होने से पहले 1962 से आज तक एएलसी लोग अरुणाचल में कंट्रीब्यूशन कर रहा है स्टेट के लिए। तो यहाँ कुछ लास्ट 2022 में गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आया कि एएलसी को 45 इयर्स में रिटायरमेंट देना है, 45 इयर्स में रिटायरमेंट देना है। नेफा समय में वो लोग का ऐसे एक रूल बनाया गया था कि 45 इयर्स 40 में उसको रिटायरमेंट देना है, वॉलंटियरली रिटायरमेंट देना है कुछ लाम साम देके। लेकिन यहाँ में ऐसा है, जो लोग 1962 से जो लोग एलसी था, बहुत लोग काफ़ी लोग मर चुका है, बुढ़ापा हो गया, ओलेस हो गया, वो लोग का बदली में, वो लोग का गाइडलाइन में ये है कि अगर कोई ओलेस होके अगर छोड़ता है एएलसी का, उसमें से उसका दोता इन लोग को भी दे सकता है, उसका बदली में अपने बच्चा को दे सकता है, अपना बेटी को, लड़का लड़की को, दोनों को दे सकता है और उसका वाइफ को भी दे सकता है एस पार होने के बाद। लेकिन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड में गवर्नमेंट ने, डिप्टी कमिश्नर ने बहुत लोगों को अपना परिवार को डाला है। तो उसके बाद अभी ऐसे हो रहा है कि 45 इयर्स में जो रिटायरमेंट दे रहा है, तो कोई कोई 45 इयर्स में तो जवान है, 50 kg 100 kg को भी उठाने वाला एलसी भाई लोग हैं। लड़की तो नहीं होता है, लड़का लो ही होता है। तो अभी उसको 45 इयर्स में बाय फोर्स डिपार्टमेंट का तरफ से ऑर्डर आया है कि एलसी लोग को रिटायरमेंट देना है, टर्मिनेशन यानी कि। तो उसमें टर्मिनेशन होने से पहले उसका बहुत मेडिकल एग्जामिन करना है कि उसका एस फैक्टर में, इसके लिए एक कमिटी बनाता है, ये एलसी 20 केजी चावल भोग पाएगा ना नहीं। तो एलसी का काम है, एक समय ऐसा था जहाँ में कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, एलसी लोग दूसरे जगह में लोड बुक के पहुँचा देता है। उस समय में पोस्टल डिपार्टमेंट में जितना जो दाग राना है, इनब्लॉक में जो लेटर भेजता है, वो एक दूसरे सर्कल में एलसी लोग लेटर को पहुंचाता है, इसलिए उसी को बोलता है दाग राना। तो एलसी लोग का कारण आज देश में, हमारा खास करके नॉर्थ ईस्ट में, बहुत पोस्टल डिपार्टमेंट को, जहाँ पे हमको कम्युनिकेशन जहाँ नहीं मिलता था, तो कम्युनिकेशन एलसी लोग का थ्रू ही हमारा अरुणाचल में बहुत सपोर्ट मिला है और कंट्रीब्यूशन हमारा स्टेट में एलसी लोग का बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो अभी हमारा जो डिमांड्स है ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का जो डिमांड्स है,
एलसी को जो लोग अभी टर्मिनेशन हुआ है दापोरिजो में 19 से लेके आज तक 41 लेबर एलसी को टर्मिनेशन किया गया। कुछ लोगों को कंपनसेशन मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है। रोइंग में दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में 4 लोगों को टर्मिनेशन हुआ है, उसमें से सबसे सीनियर वाला जो 60 ईयर्स हो गया उसको गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन मिला है 4 लाख, दूसरे वाला को मिला है 2 लाख, दूसरे वाला को मिला है 1,50,000। तो ये यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा हम लोग का जो मांग है एलसी को 60 इयर्स में उसको वॉलंटियरली रिटायरमेंट देना है विथ पेंशन के साथ। देश में जो मजदूर का जो लॉ है उसको एलसी को भी लागू करना है। दूसरा पॉइंट जो है, अगर कोई अपना से वॉलंटियरली वो एलसी लोग रिटायरमेंट जाना चाहता है कि वो उसको कंपनसेशन देके जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती टर्मिनेशन करने से अरुणाचल में ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई डिपार्टमेंट ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि आदमी को जो एम्प्लॉयस है कि 45 इयर्स में उसको रिटायरमेंट दे। ऑल ओवर वर्ल्ड देयर इज सेम लॉ, सेम लेबर लॉ, द एलसी जो है अंदर लेबर लॉ का अंदर आता है, इसलिए लेबर लॉ का अंदर में जो कैटेगरी आता है इसका हिसाब से 60 इयर्स में एलसी लोग को गवर्नमेंट रिकंसिडरेशन रीथिंकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए जो 45 इयर्स में हमारा अरुणाचल में खास करके कोई आर्ली मैरिज होता है, कोई लेट मैरिज होता है, जो 45 इयर्स लोग अगर उसका लेट मैरिज होता है इनका बच्चा तो 5 साल का होगा, 2 साल का होगा, 6 साल का होगा, अगर उसको 45 में अगर टर्मिनेशन कर देता है उसका बच्चा का एजुकेशन का क्या होगा, इसे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो टर्मिनेशन का जो रिटायरमेंट का जो 45 इयर्स का जो ऑर्डर दिया है उसको रिकंसिडरेशन करना है, 60 इयर्स में उसको दूसरा डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स को लागू है उसका अंदर में लागू कर देने से अच्छा है। एक बात ये है, मैं एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एलसी कभी भी गलती नहीं करते हैं। मैं लास्ट ईयर में एक पाके के सिंह डिस्ट्रिक्ट में अभी 4 एलसी को टर्मिनेशन कर दिया, किसी किसी का कोई कंपनसेशन नहीं मिला। एक डिप्टी कमिश्नर है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, 2022 के जून महीना में मैं डिप्टी कमिश्नर पाके के सिंह का वहाँ एक एलसी का इशू लेके मिला था। डीसी साहब ने मुझे ये कहा कि आप एक एलसी के लिए सोनाम साहब आप क्या करने के लिए आता है। उसका पिताजी 1964 से एलसी में काम किया पके केशंग में, हम इस्कामिंग से बिलोंग करता हूँ, पके केशंग काल प्रसंग नया डिस्ट्रिक्ट खुला है, इस्कामिंग से मार्केट किया है। पके केशंग एक सर्कल था जो उसका एलसी का नाम में पासंग तामंग गोरखा आदमी है, नेपाली आदमी है, इनका पिताजी 1964 से पके केशंग में एलसी में इस्कामिंग में काम कर रहा है। उसका पिताजी गुजरने के बाद में पासंग तामंग को लड़का को उसका बदली में दिया है। मैं एग्जांपल आपको मीडिया का आपका माध्यम से बताना चाहूँगा कि छोटे आदमी कभी भी गलत नहीं करता है, गलत करता है तो बड़ा आदमी लोग ही करता है। कि मैं अभी 30 ईयर से लेबर ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ, तो डीसी साहब ने मुझे ये कहा कि आपने एक एलसी के लिए एक नॉन ट्राइबल के लिए आप क्यों आया। तो मैंने बोला कि एक एलसी को जो डीसी साहब है पासंग तामंग को जो टर्मिनेशन किया है वो पके केसिंग में एडीसी था। उसके बाद में एडीसी होते समय में वो जो पासंग तामंग जो लड़का है वो इनका घर नाहरलगुन में भी वो काम किया। एडीसी होते समय में इनका जो साल है 17 ईयर्स, पासंग तामंग जो लड़का है 17 ईयर्स काम किया। बाद में उसको 17 ईयर्स के बाद टर्मिनेशन क्यों किया है बोलने से,
जब कोविड का समय, कोरोना का समय में वो एलसी जो है ईटानगर नालंग में एडीसी, वो एडीसी था उस समय। एडीसी साहब का घर में कंचा काम कर रहा था। कंचा काम करने का बाद में कोविड समय में फिर वो डीसी बन के आया पक्के के संग में, उसको टर्मिनेशन कर दिया। टर्मिनेशन क्यों बोलने से, एक मैं पूरा कहानी तो नहीं दोहराऊंगा, एग्जांपल जस्ट हम आपको एग्जांपल हम दे रहा हूं। एलसी को एक बहाना निकला है कि तुमने दारू पिया है। एलसी का कहना है कि मैं कोविड समय में एक बार दारू पिया था, लोग बोला है कि कोरोना नहीं लगेगा दारू पीने से, वो अपना घर में दारू पिया। डीसी साहब ने ये बोला कि ये दारू पिया है कानून का, गवर्नमेंट इंक्वायरी का ये रूल से बाहर है, इसलिए उसको एक्शन लिया है, टर्मिनेशन कर दिया। तो 17 ईयर्स उन्होंने काम किया एसडीओ का से लेके एडीसी से लेके डीसी ऑफिस में 17 ईयर्स काम किया, उसका एक ही दिन में टर्मिनेशन कर दिया। इसलिए मैं अभी भी डीसी साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको दोबारा रीथिंकिंग करें, रिकन्सिडर करें। नहीं तो हम लोग ने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है कि एलसी का कोई गलती नहीं है। जब उसके कुत्ता जब पाल रहा था, कुत्ता को देखभाल करते समय, अपना बेटी बेटा को देखभाल करते समय में तो टर्मिनेशन नहीं हुआ। जब वो बोल रहा है कि मैं आपका बंगला में काम नहीं करेगा, मैं ड्यूटी गवर्नमेंट ड्यूटी में काम करेगा, तो बहाना एक तो निकल गया कि दारू पिया है, इसलिए उसको टर्मिनेशन किया। मैंने डीसी साहब को बहुत अप्रोच किया है कि ये केस अभी भी पेंडिंग है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि एलसी लोग के लिए सरकार अरुणाचल गवर्नमेंट 45 ईयर्स का जगह 60 ईयर्स में पेंशन का कर देना है, रिटायरमेंट का सिस्टम को रख देना है। दूसरा पॉइंट, जो अभी टर्मिनेशन होके रखा है, जिसको निकाल के रखा है डीसी लोग, सीओ लोग, ईएसी लोग, उसको रिकंसिडर करना है। जब तक गवर्नमेंट से और प्रॉपर ऑर्डर नहीं होगा तब तक उसको स्टे में रख देने से अच्छा है। ये हम लोग का तरफ से रिक्वेस्ट है। सेकेंड पॉइंट जो है, मिनिमम वेजेस जो लेबर का जो तनख्वाह बढ़ाता है, मिनिमम वेजेस अभी अरुणाचल में आप लोग को देखा होगा कि बहुत ही लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग प्रकार का यूनियन है। ये ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो ऑल देश ट्रेड यूनियन इन अरुणाचल प्रदेश, आप लोग भी ट्रेड यूनियन में आता है कि ये जो ऑल अरुणाचल प्रदेश बहुत साल से ये यूनियन चल रहा है, लेकिन हम लोग जो देख रहा है कि मिनिमम वेजेस का बढ़ाने में अभी डिमांड का अलग अलग डिमांड हो रहा है। इसलिए मैं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का के लिए भी थोड़ा सा क्लियरफाई करना चाहता हूँ। मिनिमम वेजेस अभी कोई डिमांड कर रहा है 18,000 में, कोई डिमांड कर रहा है 5,000 में, कोई मिनिमम वेजेस को बढ़ाने के लिए जो डिमांड कर रहा है 3,000 में। मैं क्लियर कट यहाँ से एक मेरा तरफ से आपू का तरफ से एक क्लियर करना चाहूँगा, अरुणाचल में मिनिमम वेजेस बढ़ाने का सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं है। मिनिमम वेजेस बढ़ाने का सिस्टम ऐसा है, अरुणाचल हर स्टेट में एक मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड होता है। मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड जो है 2 साल का बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट। इनका जो चेयरमैन है ना वो एमएलए होगा, ना वो लेबर लीडर होगा, ना वो कोई राजनीति पॉलिटिक्स पार्टी से कोई उसको चेयरमैन नहीं बनाता है। इन दिन पेंडिंग जो रिलेटेड मिनिमम वेजेस 1948 का कानून को जानने वाला इंसान को एक चेयरमैन बनाता है। वो चेयरमैन का अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट से एक तो मिंबर होता है, ट्रेड यूनियन लेबर लीडर से एक मिंबर सेलेक्टेड करता है, वोमेन लीडर जैन का जनरल लीडर मिंबर बनाता है, मल्टीनेशनल कंपनी का कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है या कोई अकाउंटिंग ऑफिसर से एक मिंबर बनाता है, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन से वर्किंग एक एजेंसी जैसे चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी आरडब्ल्यूडी पावर या पीएचई डिपार्टमेंट से चीफ इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को मिंबर बना के मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड गठन करता है। अरुणाचल में मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड नहीं होने का कारण, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होने का कारण अभी पैसा बढ़ाने में बहुत ही तकलीफ हो रहा है।
इसलिए मेरा ये सरकार से ये मांग है, मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हो, चाहे वो आपका मीडिया वाला का हो। इसमें मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड का 2 साल का टेन्योर होता है, 2 साल में एक रिकमेंडेशन होता है मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड जो है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को रेट ऑफ द मिनिमम वेजेस को जब बढ़ाता है उसको बोलता है नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस। जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा बढ़ाता है तब तक स्टेट गवर्नमेंट को यह देखना पड़ता है कि पैसा बढ़ाना है कि नहीं, इनका अपना कैपेबल कितना है, कितना हम स्टेट शेयर दे सकता है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड जो रिकमेंडेशन करता है कि आपको इतना पैसा मजदूर का वर्किंग क्लास का पैसा को बढ़ा देना है। वो बढ़ाने के बाद में ये देखना है कि जैसे आप जर्नलिस्ट लोग हैं, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई बिल्डिंग में कर्मचारी है, मान लीजिए उसको महीना में तनख्वाह दे रहा है 12,000, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा बढ़ गया 15,000, वो 15,000 से जो भी कर्मचारी है जो बाहर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहा है उसको 1 रुपया भी कमती नहीं दे सकता है एज पर लॉ। इसलिए जितना स्टेट गवर्नमेंट पैसा बढ़ाएगा इतना प्राइवेट में काम करने वाला आन, जैसे कि हमारा लड़की लड़का लोग सुप्स एंड कमर्शियल में जो वर्कर्स में काम कर रहा है, मैंने बहुत दुकान में पूछा कि लड़कियां हमारा जो अरुणाचल का लड़कियां लोग को हम पूछा है कि आपका मिनिमम वेजेस कितना है, वो लोग बोलते हैं सर कोई हमको 7,000 देता है, कोई 6,000 देते, दे आर द वायोलेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक का अंदर में। जबकि स्टेट गवर्नमेंट 7,000 दे रहा है, 9,000 दे रहा है, 15,000 दे रहा है, उसको वो लोग वायोलेशन कर रहा है, यानी आपका भी वायोलेशन हो सकता है। इसलिए मिनिमम वेजेस जब भी स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाता है कि प्राइवेट वाला जो है उससे वायोलेशन नहीं कर सकता है, चाहे मेरा घर में कोई अगर काम भी करता है मैं भी उसका हिसाब से ही देना पड़ेगा। इसलिए मिनिमम वेजेस को अभी सबसे पहले अरुणाचल सरकार जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू सर का सरकार में 2019 में एक पैसा बढ़ाया था, तो वो पैसा जब बढ़ाया तो 2021, 2022, 2023 अभी जा रहा है, 19 और 20 का मिनिमम वेजेस बढ़ा दिया, अभी 21 और 22 का मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करना है कि और एक बार तनख्वाह बढ़ाना है। ये है सिस्टम। इसलिए सरकार को मेरा मांग ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन से, सारा अरुणाचल के वर्किंग क्लास का और से, कि सरकार को ये अपील है कि आपको मिनिमम वेजेस बढ़ाने का समय आ गया है। इसलिए कितना बढ़ाना है कितना नहीं बढ़ाना है वो हम नहीं बोल सकता, मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड जो है इसको डिसाइड करेगा कि कंज्यूमर प्राइस, प्याज का दाम कितना बढ़ गया, आलू का दाम कितना बढ़ गया, तेल का दाम कितना बढ़ गया, उसका हिसाब से मिनिमम वेजेस को, मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड जब फिलअप डिसाइड करता है, कंसिडरेशन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट में अप्रूव करके वेजेस को बढ़ाया जाता है। इसलिए हम लोग का मांग है कि अरुणाचल गवर्नमेंट को, सरकार को हम लोग का रिक्वेस्ट है कि अभी मिनिमम वेजेस एक बार रिकमेंडेशन करने का और एक बार देने का समय आ गया है कि, इसलिए अरुणाचल सरकार को लेबर का ओर से, अरुणाचल गरीब का ओर से हम अपील करना चाहूँगे कि एज पर लॉ, एज पर समय हो गया है कि पैसा को और कितना बढ़ाना है वो गवर्नमेंट का ऊपर में डिपेंड करता है, इसलिए मिनिमम वेजेस को और एक बार बढ़ा देने से ठीक है। मेरा लास्ट पॉइंट जो है अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अरुणाचल का आने वाला जेनरेशन पोअर पीपल्स किसान मजदूर के लिए बहुत लाइफलाइन है। अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है सारा इंडिया में है, इसका कानून बनाया है पार्लियामेंट, राज्यसभा है लोकसभा दोनों हाउस ने उसको कानून को बनाया है। मेरा प्रेसिडेंट लीडरशिप में 1997 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अरुणाचल में ऐसे कोई डिपार्टमेंट हो कि वर्कर्स का वेलफेयर के लिए हो, 97 में हम लोगों ने मूवमेंट किया है अरुणाचल में
बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एक होना है, जबकि असम हो चुका है, मेघालय हो चुका है, नागालैंड हो चुका है, ऑल इंडिया में लेबर वेलफेयर बोर्ड हो चुका है, अरुणाचल में क्यों नहीं? मैंने अपंग साहब का साथ में काम किया, मती साहब का साथ में काम किया, तोकी साहब का साथ काम किया, पोल साहब का साथ काम किया, सब बोर्ड सीएम का साथ में काम किया। लास्ट आफ्टर 10-15 ईयर्स के बाद अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड यामी गठन किया। 5 चेयरमैन व हमारा लेट ये सॉरी पादरी चौ साहब जीरो का है, वो एमएलए था, वो चेयरमैन रहा। पादरी चौ चेयरमैन खत्म होने के बाद में हम चेयरमैन रहा 3 ईयर्स, फिर कंटिन्यू हमने चेयरमैन रहा। उसका बाद फिर न्यामर करपक साहब अभी जो एमएलए वो चेयरमैन रहा। उसका बाद कमर वाई साहब अभी फार्मर होम मिनिस्टर है वो चेयरमैन रहा। उसका बाद में फिर हम चेयरमैन वापस आया। उसका बाद अभी हमारा दापोरी जो तालिया का एमएलए न्यातो दोकम साहब चेयरमैन रहा। लेकिन मैंने जो देख रहा है, काफ़ी कुछ साल से मैंने देख रहा है कि हम लोग इतना चेयरमैन बैठने के बाद में बोर्ड को बदला नहीं है। बोर्ड एक ही रास्ता में जा रहा है, कहीं गलत हिस्सा में जा रहा है ना खराब जा रहा है वो हम नहीं बोलेगा, लेकिन लेबर वेलफेयर बोर्ड में बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में 1% लेबर सेस कलेक्शन करता है। 1% लेबर सेस कलेक्शन जो है एक प्रोजेक्ट से अगर 1000 करोड़ का होने से भी एक प्रोजेक्ट से 1% लेबर सेस 1% पैसा कलेक्शन करके लेबर वेलफेयर बोर्ड में डिपॉजिट करता है। 5 लाख का काम करो, 2 लाख का काम करो, 3 लाख का काम करो, वो पैसा लेबर वेलफेयर बोर्ड में डिपॉजिट करता है। वो लेबर वेलफेयर बोर्ड का जो पैसा है, लेबर को घर बनाने के लिए पैसा देना है नंबर वन। नंबर टू, जो लेबर लोग का जो इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि बिल्डिंग बनाने में टूल्स वगैरह जो मार्टन वगैरह आरा वगैरह उसको देने के लिए पैसा रखता है जो कानून बनाया गया। उसका बाद बच्चा लोग का एजुकेशन, कॉलेज पढ़ने वाला एमबीबीएस करने वाला क्लास 10-12 कहाँ कहाँ में बच्चा लोग लेबर लोग का बच्चा लोग को पढ़ाई कर रहा है उसको पैसा देने के लिए, बच्चा लोग का एक्सीडेंट में पैसा देने के लिए, हर एक लेबर का बच्चा को बेनिफिट देने के लिए ये बोर्ड जो है बनाया गया है। लेकिन अभी जो बोर्ड जो है हम लोग का अरुणाचल का जो लेबर वेलफेयर बोर्ड जो है या में दो बेनिफिट है, एक बेनिफिट है स्टेटरी बेनिफिट, एक जो नॉन स्टेटरी बेनिफिट, यानी कि जो स्कीम में जो नहीं है हम उसको दे नहीं सकता। जो लोग बेनिफिट जो एक्ट का अंदर में जो बनाया गया है उसको हम लोग को देना है। इसलिए हम लोग सरकार को एक तो मेमोरेंडम दिया है कि जो मैं शॉर्टकट में बोलना चाहता हूँ कि नॉन स्टेटरी बेनिफिट को बंद करना है, क्लियर कट। अगर नॉन स्टेटरी बेनिफिट को बंद नहीं करेगा लेबर वेलफेयर बोर्ड में करप्शन से करप्शन ही चलते जाएगा। कोई भी एमएलए आओ, कोई भी चेयरमैन आओ, वो गलत रास्ता में चलते रहेगा। इसलिए हम लोग सरकार को मांग है, एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी मना किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो चुका है कि नॉन स्टेटरी बेनिफिट को नहीं देना है, कि जो रूल में है जो एक्ट का अंदर में है उसी को ही सिर्फ देना है। इसलिए कि हम लोग गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खास करके लर्निंग चीफ सेक्रेटरी को कि ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नॉन स्टेटरी बेनिफिट को बोर्ड में जो हो रहा है उसको बंद कर देने से ठीक है। अगर इसको बंद नहीं करेगा, अगर गलत हिस्सा में हम लोग चलते रहेगा, हो सकता है एक दिन ये बोर्ड जो है क्लैप्स हो जाएगा। अगर क्लैप्स हो जाएगा तो वर्कर्स का वेलफेयर बंद हो जाएगा। इसलिए नॉन स्टेटरी बेनिफिट को जो अभी दे रहा है उसको बंद करना है, और जो स्टेटरी बेनिफिट है जो लीगली जो आपको हाउसिंग लोन देना है, मेडिकल ग्राउंड में देना, मेटर्निटी पर महिला लोग के लिए देना है, जो जो बेनिफिट जो रूल में लिखा हुआ है उसको देना है। ये इसलिए हम लोग को सरकार को ये अपील है। दूसरा एक पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका नंबर 3 में, लास्ट पॉइंट है मेरा वोमेन विंग को, मेरा रिक्वेस्ट प्रेसिडेंस मैडम को हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ग्रेड पे 6-7 CPC में जो प्रॉब्लम हो रहा है आप थोड़ा सा मीडिया को ब्रीफ कर देने से ठीक है। और ये सब बातों को पहले से हम लोग 2016 से बोलते आ रहे हैं, मेमोरेंडम भी प्लेस किया
और उस दिन 2022 सितंबर को भी हम ये आपका वो पुराना प्रेस क्लब में हम ब्रीफिंग किया इसको, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई कोई डिपार्टमेंट लोग गवर्नमेंट लोग कंफ्यूज होता है जैसा लग रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जब 6 CPC से पहले, 6 CPC से पहले जो थर्ड ग्रेड जो है 10 पास वाला लोग को थर्ड ग्रेड में दिया गया था नौकरी, जब LDC लोग था सेम था थर्ड ग्रेड, जो भी हर प्रकार का हर डिपार्टमेंट का वर्कर्स होने से भी, जो भी वायरमैन होने से भी, लाइनमैन होने से भी, ऑपरेटर होने से भी, जो भी होने प्रिंटर होने से भी, मेसन होने से भी, जिसका जो 10 क्वालिफाइड है 10 पास है उसको थर्ड ग्रेड में दिया गया था, फोर्थ ग्रेड नहीं था। तो उसमें जो है 6 CPC में हम लोग ठीक था, सेम था। जब 7 CPC आ गया तो इसमें LDC लोग अपना लोग ये करके ये गवर्नमेंट को बात किया है ना, क्या डिपार्टमेंट को बात किया है ना, कैसा किया, क्या किया है डिपार्टमेंट लोग, गवर्नमेंट लोग इसको क्या इनिशिएटिव, क्या स्टेप लेके किया है, इन लोग को 24 ग्रेड में दे दिया। तो जो सेम ग्रेड था, जो सेम ग्रेड 19 ग्रेड था, 19 ग्रेड वाला 24 में आ गया। तो अभी जो है 19 ग्रेड जो सेम जो ग्रेड वाला अभी तक 19 में बैठा हुआ है, और जो मतलब अभी ड्राइवर लोग जितना भी 19 ग्रेड में था वो लोग भी सेम ग्रेड में 24 में अपग्रेड हो गया। अभी जैसे कि ये इसको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो जिसका जो है मेट होने से भी, जो WI होने से भी, और प्रिंटर होने से भी, इलेक्ट्रिशियन होने से भी, वायरमैन होने से भी, ऑपरेटर होने से भी, और लाइनमैन होने से भी, और जो मीटर रीडर होने से भी, जितना भी जिसका 19 है, 19 ग्रेड है उसको 24 करना है। जिसका 19 नहीं है उसको पूरा मतलब दो वर्कर्स होने से भी, जितना भी लाइनमैन वायरमैन होने से भी, उसको आप 24 ग्रेड बना दो बोल के हम लोग नहीं बोल रहे। जबकि मतलब पहले जो 6 CPC 7 CPC लागू नहीं होते समय में, जब सेम ग्रेड था 19 ग्रेड था उसको, वो सभी को 19 ग्रेड को 24 ग्रेड में कर दो बोल के हम लोग ये गवर्नमेंट को मांग किया। 2016 से हम लोग मेमोरेंडम प्लेस किया, 2016 से हम लोग मांग करके आ रहे हैं, इसको अभी तक गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं ले रहा है। इसलिए हम जो आपको गवर्नमेंट को मैं अभी ये आपका माध्यम से हम रिक्वेस्ट करूँगा, तो इसको जैसे भी आप लोग देख दीजिए, इसको जैसे भी देख के आप लोग कुछ तो कार्रवाई कर दीजिए, इसको जैसे भी आप लोग करने के लिए कोशिश कीजिए। हम लोग 2016 का मांग को आप लोग नहीं करके 2006 CPC और 7 CPC में जो किया है उन लोग को, इन लोग का जो बोल को बोल चाल को, उन लोग का जो डिमांड को मान के इन लोग 24 में किया है, तो हम लोग सब के लिए, सब डिपार्टमेंट, यह हमें वायरस डिपार्टमेंट का है, सब डिपार्टमेंट का, सब डिपार्टमेंट होने से भी, जितना भी WC होने से भी, जितना भी जो 19 ग्रेड को हम लोग सिर्फ बोला है, तो हम लोग 18 जो जितना भी ग्रेड को 13 ग्रेड 19 18 ग्रेड को हम लोग नहीं बोल रहे, सिर्फ एक्सेप्ट उस समय में 19 जो 19 ग्रेड था एक साथ था सेम था उसको 24 किया है, इसलिए इसको भी 24 करो बोल के हम लोग वही डिमांड है। इसलिए उसको गवर्नमेंट जो है कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग 19 का जो ग्रेड सेम था उसको 24 में कर दो बोल के हम लोग का डिमांड है। इसलिए ये डिमांड को जैसे भी आप लोग देख दीजिए, कर दीजिए, और करेगा बोल के भी आप लोग को आशा रखता है, अभी तक भी हम आशा रख रहे हैं आप लोग करेगा ये इसका आपका मतलब ये से प्रेस मीडिया का माध्यम से जैसे भी सुन के ये करेगा बोल के हम आशा रखते हैं। मेरा ये आज तक का मेमोरेंडम नहीं है, ये 2016 का मेमोरेंडम हम लोग प्लेस करके आए हैं। इसलिए हम लोग अभी जो रिवाइज कर रहे, रिन्यू कर रहे हैं, इसको आपको रिमाइंड कर रहे हैं बताने के लिए, हम लोग ये रिमाइंड करके आपको बता।